होता है, जैसे नौ ग्रह होते हैं और उससे हर जगह नौ शुभ नंबर का अंक माना जाता है। वाकई ये अपने आप में मैंने सुना था कि नौ रस एक बहुत अद्भुत होता है, लेकिन आज उसका प्रमाण मिला ये फिल्म देख करके। वाकई बहुत ही अच्छी फिल्म है और फ्लॉलेस फिल्म है, और ऐसी फिल्मों को हम सबको मिल करके प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। ऐसी फिल्म चलने से मेरा मानना है कि न कि सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बल्कि एक सोसाइटी को एक सबक मिलता है, और उसमें मॉरल है, और जो वाकई मतलब मुझे तो छू गई फिल्म। इसमें हर एक स्टोरी में संदेश पहुंचता है हर तक, जो कि बहुत कम आजकल फिल्मों में पाया जाता है, और ये एक संतुलित फिल्म है। इसका जो समीकरण है वो बहुत वेल बैलेंस्ड है, जो कि चाहिए हमें। तो एंटरटेनमेंट विथ मॉरल वैल्यूज बहुत कम देखने को। लड़कियों को, महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि कभी भी मेहनत करना रोके ना, बहुत मेहनत करें, और अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं, आपको पता है कि आप टैलेंटेड है, या आपको कोई भी आपका जो गोल है उसकी तरफ आप अपनी पूरी अपना 100% दें, कभी भी हार ना माने और स्ट्रॉन्ग रहें, इंडिपेंडेंट रहें, और बस संगीत के माध्यम से कहना चाहूँगा क्योंकि ये हम हमारी बहनों के साथ देखते हैं, औरों के साथ देखते हैं, दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कहीं इस तरीके की हादसे ना हो, हर इस तरीके की कैच ना हो। क्योंकि रेप क्या, मर्डर क्या, जैसे इसमें एक देशभक्ति बताई, एक करुणा दिखाया, तो ये जो रस है ये हमारे अंदर ही है, और जो बुरे रस है उसको निकाला जाए और जो अच्छे हैं उसे अपनाया जाए। मैं इस पिक्चर को, इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को, एक्टरों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा चले, और सिर्फ शहर बड़ी सिटियों में नहीं, गांव-गांव में भी ऐसी फिल्में दिखानी चाहिए, और ख़ास करके स्कूलों में भी दिखानी चाहिए बच्चों को। ये एक तरीके से एजुकेशन प्रकार की फिल्म बनाई है, इसने बहुत प्यारी फिल्म बनाई है। थैंक यू।